आइए हम आप लोगों को एक बड़ी सुंदर मनभावन कथा सुनाते हैं तोता मैना की। जिस डाल पर मैना बैठी थी उसी डाल पर तोता भी आकर बैठ गया, तो मैना तोते से क्या बोली? ए तोता, तू मेरे सामने से दूर हो जा, जा कहीं और जाकर बैठ। मैना, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो? ए तोता, मुझे मर्दों से ना बहुत घृणा हो गई है, क्योंकि मर्द बड़े बेवफा और बेदर्दी होते हैं। वो कैसे? तोता सुन, एक बेदर्दी मर्द की कहानी जो संजू बघेल आला में सुना रही है। गिड़गिड़ा ही रहा था, इतने में वहाँ सेठ आ गए और पूछा, बेटी क्या हुआ? तो लड़की बोली, पिताजी चोर था जिसने आपकी तिजोरी तोड़ दी, उसे देखकर मैं चीखी, तो आपसे पहले ये लड़का मेरे पास आ गया जिसे देखकर चोर भाग गए। तब सेठ ने लड़के की पीठ थपथपाई, हे तोता सुन, उस लड़के को बचाने के लिए लड़की ने कितना बड़ा झूठ बोला, अब सुन तोता आगे क्या होने वाला है। शादी मुझसे ले रचा, प्यार में तेरे हुआ मैं।
दिया है जो मन तुमने बना, पति और पत्नी दोनों साथ में चले गांव की सीधे लगा, चलते चलते थके वो दोनों बैठ गए छाया में जा, पेड़ के नीचे बैठे बैठे गई नींद लड़की को, तब उस लड़के के दिमाग में गई सोच से दर्दी लड़के ने उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए और कंधों पर उठा लिया। तब लड़की जागी और बोली, हे स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? तब लड़का बोला, मैं तुझे कुएं में डालूंगा और तुमसे छुटकारा पाऊंगा। तब लड़की बोली, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मैं अपने मायके लौट जाऊंगी, मेरी जान मत लो स्वामी। हे तोता, वो लड़का नहीं माना और कुएं में फेंक कर चला गया। शैतान के मन में क्या चल रहा था? वो कमीना ससुराल में पहुंचा, वहां उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और खड़ा का खड़ा रह गया। फिर भी उसकी पत्नी ने उसे अंदर आने को कहा और खूब खुशामद की। बनी से जा